माननीय प्रधानमंत्री को मेरा सादर प्रणाम। मैं ब्रजेश कुमार, ग्राम कोड़े, थाना गढ़पुरा, जिला बेगूसराय, जो दूध संघ बरौनी के अधीनस्थ आदर्श किसान दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का एक सदस्य किसान हूं। हमारे पास 20 छोटे बड़े पशु हैं, जिसमें 2 मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, बाकी विभिन्न प्रकार विभिन्न नस्लों की गायें हैं। उसमें 1 हमारे बिहार की मूल नस्ल बछौर की गायें और 2 उसके बछड़े भी हैं। ब्रजेश जी, आप पढ़ाई लिखाई की या बस ऐसे ही पशुओं की सेवा में लग गए? सर, हमने पढ़ाई की है। मैं ISM धनबाद से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की पढ़ाई की। उसके बाद हम दिल्ली हाई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से एम्बेडेड सिस्टम डिजाइनिंग की भी पढ़ाई प्राप्त की है। अरे वाह, आपके पास तो काफी कुछ ज्ञान भी है और उसमें भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। आपने पढ़ाई की है और उसके बाद भी आपने इस क्षेत्र को चुना है। देखिए, यही यही चीजें देश में प्रेरणा देने वाली है। तो खेती किसानी और पशुपालन के इस काम में आपका मन लग रहा है, ये आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, अभी टेम्पररी कर रहा हूं, कुछ और करूंगा, ऐसा मन करता है क्या? सर, पढ़ाई के उपरांत मैं CBSE के लिए काम करता था, उसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करता था, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का। 2012-13 में, 13 के जुलाई में मैं गांव वापस आया और हमने कहा कि मैं पशुपालन करूंगा, और मुझे गांव समाज का बड़ा विरोध झेलना पड़ा, लेकिन मैं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसमें लगा रहा। और आज मैं गर्व से कहता हूं सर कि मैं वो ऋषि पुत्र कृषक हूं जिसके उगाए गए अनाज से हमारे हिंदू सनातन धर्म में ठाकुर जी के भी भोग लगते हैं। वाह वाह। और अगर इतने महत्वपूर्ण उत्पाद के उत्पादक अपने आप को दीनहीन महसूस करेंगे तो फिर हमारा देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए गर्व से हम कहते हैं कि हम पशुपालक किसान हैं। ब्रजेश जी, मुझे आपके शब्द सुनकर के मुझे खुद को ही प्रेरणा मिल रही है। हमारे देश का गर्व है कि ब्रजेश जी जैसे आत्मविश्वास से भरे हुए और क्लियर विजन वाले नौजवान अपने ज्ञान का और क्षेत्रों में कैसे उपयोग हो, इस प्रकार का कमिटमेंट रखने वाले नौजवान। ब्रजेश, मैं सच बताता हूं, आपकी आधी मिनट आपने ली लेकिन मुझे इंप्रेस कर दिया। देखिए, गांव में रहकर अपने घर पर ही ये जो काम कर रहे हैं उसे कितनी आमदनी हो जाती है, कितनी बचत हो जाती है, ये तो शायद आप हिसाब किताब नहीं लगाते होंगे, लेकिन आपका कमिटमेंट है इसलिए करते होंगे, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति होती है। सर, हिसाब किताब लगाते हैं। सबसे पहले हमने बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में चल रहे समग्र गव विकास योजना अंतर्गत 20 गायों का अनुदानित भारतीय स्टेट बैंक से गौशाला खोला, और उसके जितने भी मानक थे सर, मैं बिहार का उस योजना से सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहला लाभार्थी हूँ, ये गौरव मुझे प्राप्त है। और उस योजना के जितने भी सर साधन थे, वर्मी कंपोस्ट, गोबर गैस प्लांट, मिल्किंग मशीन, बिहार का मैं पहला मिल्किंग मशीन भी 2013 में पंजाब से खरीद के लाया सर, और सैलेज मेकिंग प्रोसेस, यूरिया ट्रीटमेंट उस समय भूसा का होता था, इन सारे संसाधनों को हमने वहां लगाया। बाद में दुग्ध संघ बरौनी के सानिध्य में आने के बाद माननीय अध्यक्ष विजय शंकर सिंह और प्रबंध निदेशक सुनील रंजन मिश्रा साहब के सानिध्य में आने के बाद हमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक डेलीगेशन जब हमारे यहाँ आई, तो उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट लाया सर कि माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर, कि एक पशुपालक किसान ही किसानों को उनके भाषा में उनके स्तर तक आकर उन्हें प्रशिक्षण दे। तो इस योजना के तहत हमारे यहाँ एक सर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के गाइडलाइन में और बरौनी डेयरी के सौजन्य से माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर लगा, जिसमें हम अभी वर्तमान में 5,000 किसानों को वन डे ट्रेनिंग भी दे चुके हैं सर, और भी छोटे छोटे वहां पे जो दूध समितियां चलती हैं मैं उसका अध्यक्ष हूं सर,
और हमने छोटे छोटे की मुर्गी के लिए या गाय के बछड़ों के लिए इस तरह के छोटे छोटे पशु आहार के भी एक छोटा सा यूनिट खड़ा किया है, जिसके माध्यम से हम जो पशु आहार बाजार में या हमारे दूध संघ के माध्यम से बछड़ों के लिए काप स्टार्टर, मुर्गी के लिए, बकरी के लिए नहीं मिलती है, वो हम किसानों को सस्ते और सुलभ दे सकें। दूसरा, एक हमने अपना प्रयास किया है सर कि हम स्कूली बच्चों को जाके अपना समय देके और उनको बताएं कि कृषि और पशुपालन का हमारे मानव जीवन में क्या योगदान है। मानव जीवन में कृषि और पशुपालन की भूमिका पे हमने सैकड़ों जगह जगह स्कूलों में और बच्चों के बीच जाके अपना एक कार्यक्रम किया है सर। मैं आपकी बातें सुनकर के दो सुझाव देता हूं। एक, जो आप बच्चों को जाकर के मोटिवेट करते हैं और आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, क्यों ना आप अपनी एक ऐप बनाएं, जिस ऐप में एक 10-12 मिनट का हर हफ्ते में दो बार एक बच्चों को समझ आए पशुपालन का, खेती का, टेक्नोलॉजी का, ऐसे छोटे 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 विषय आप उनको ऑनलाइन पढ़ाएं, हो सकता है आपकी बहुत बड़ी रीच हो जाएगी। देश में भी कई लोग होंगे जो आपके इस 10-10 मिनट की वीडियो, और हर सप्ताह तय होगा भाई आप सप्ताह में दो दिन इतने बजे अपलोड करेंगे, मतलब सब लोग इंतजार करेंगे क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी हो और मैं देख रहा हूँ कि आपके पास समझ भी है। दूसरा, ये कोरोना काल समाप्त होने के बाद मैं विशेष रूप से चाहूँगा कि आप समय निकालिए और आपके इलाके के किसान, उन सबको मैं गुजरात भेजने की व्यवस्था करूँगा, और वहां ये जो अमूल का काम चल रहा है, डेयरी का कैसा काम चल रहा है, किस प्रकार से जुड़ता है, एक हफ्ते भर रह करके आप उसको देख के आइए। मैं गिरिराज जी को कहूंगा कि वो इसकी व्यवस्था करें और मैं भी देखूंगा कि आपका वहां जाना और सारी चीजें देखने का मौका मिले। तीसरी एक बात मैं कहूंगा कि भारत सरकार की एक गोबर धन की योजना है, जैसे आप गोबर गैस का प्लांट चला रहे हैं, लेकिन 40-50 गांवों का संयुक्त, फिर लोग अपने यहां पुराने जो बूढ़े पशु हैं उनको छोड़ नहीं देंगे, रखेंगे, क्योंकि उसके जो वेस्ट है आज उसकी की कीमत मिलती है, और आप एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का केंद्र बना सकते हैं। तो गोवर्धन योजना जो भारत सरकार की है, उसका भी फायदा लेने की दिशा में आप जरूर सोचिए। मैं गिरिराज जी को बताऊंगा कि वो आपके संपर्क में रह करके, क्योंकि आपने बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम उठाए हैं और एक दीर्घ दृष्टि के साथ कदम उठाया, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। और जब गांव के व्यक्ति के पास से ये धरती के अनुभव को सुनता हूं तो सचमुच में मेरे लिए बड़ी खुशी बात होती है। और गाँव के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उसमें आप जैसे नौजवानों का जुड़ना बहुत बड़ा लाभ करेगा। हम लोगों ने, आपने देखा होगा, कई पुराने कानूनों को बदल दिया है, कई कानून जो किसानों के लिए एक प्रकार से जंजीर बन गए थे उनको हमने हटा दिया है। आपको या आपके गांव के किसानों को इसकी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे गांव के लोगों को जिस प्रकार से आपने जोड़ा है, अगल बगल के गांव को जोड़ा है और आधुनिकता टेक्नोलॉजी इस दिशा में जोड़ा है, देश के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आपका ये प्रयास बहुत ही प्रेरक है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद।